Hey guys, welcome back to my channel, Do Maths. So, in this video, we have class 8th chapter 4, which is practical geometry. Uski exercise 4.1 ke question number 1 ka second part solve karne wale hain. Question number 1 ka first part aur is chapter ka introduction, yani ki is chapter mein kya kya hone wala hai, nayi terms jo aayi hain aapke liye. वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है. अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो जो रेड बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट कर दीजिएगा. सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट पे. अगेन जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था कि हमें उसमें कंस्ट्रक्शन करनी थी, इसमें भी हमें कंस्ट्रक्शन ही करनी है. और इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे जो आपको काफ़ी ध्यान रखने हैं. वो ये हैं, सबसे पहले जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता है, आपको अपने राइट हैंड साइड पे एक रफ कॉलम बना के आपको एक रफ कंस्ट्रक्शन करके देखनी है फ्री हैंड. उसमें कोई पेंसिल पेन यूज़ नहीं करना. आप उसको, आपको उस रफ स्केच से स्टेप्स पता लग जाएंगे आपको क्या क्या करने हैं. बिकॉज़ अगर आप डायरेक्टली फेयर पे आओगे तो आपको बहुत इरेज करना पड़ेगा और बहुत मुश्किल लगेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो रफ में पहले एक बार बना के देख लीजिए. जैसे अब मैं पहले रफ में बनाऊंगी, फिर यहाँ पे मैं अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट्स, हालांकि मैं बोर्ड पे कोई स्केल या फिर कुछ मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो मैं सिंपल तरीके से एक रफ स्केच भी यहाँ पे एक नीट ड्रॉ करके दिखाऊंगी ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए. सो हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, जंप, JUMP. तो रफ में आपने क्या करना है, ये पढ़ते ही JUMP लाइन वाइज आपने ऐसे लिख लेना है, ठीक है. उसके बाद आते हैं हम, जो भी हमें मेजरमेंट्स गिवन है वन बाय वन चलते हैं. JU बॉटम में है, हम बना सकते हैं, विच इज 3.5, हमने बना लिया. उसके बाद UM क्या है, यहाँ से यहाँ तक. अब आपको एंगल तो मालूम नहीं है, अब इसके बाद आप ये लाइन ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, तो उस लिए हम डायरेक्ट तो नहीं बना सकते. तो हमें क्या करना है, UM जो कि 4 सेंटीमीटर है, आपको 4 सेंटीमीटर की कंपस पेंसिल खोलनी है. यानी कि आप एक स्केल लीजिए, उसको रखिए और कंपस पेंसिल लगाइए कंपस के अंदर, और 4 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेके आपको U पे रख के यहाँ आर्क लगानी है, जो कि इस तरीके से आर्क लगेगी. क्लियर हुआ, आपने आर्क लगा ली क्योंकि आप डायरेक्टली लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हो. उसके बाद आपको MP दिया हुआ है. MP देखो, क्या आप MP बना सकते हो, नहीं, क्योंकि आपके पास ना ही M पॉइंट है ना ही P है. तो आप किस पॉइंट पे रख के आर्क लगाओगे, किस पॉइंट पे रख के लाइन बनाओगे, तो अभी ये हम छोड़ देते हैं, हम इसको छोटा सा क्रॉस लगा देते हैं. चलते हैं नेक्स्ट पे, PJ क्या है, PJ तो ये हम J से बना सकते हैं. PJ कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर. अगेन आपको स्केल से 4.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना है और 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा देनी है, कुछ इस तरीके से. क्लियर हुआ. लास्ट है PU क्या है, देखो PU यानी कि ये वाला डायगनल, ये वाला P से U तक का डायगनल आपको क्या गिवन है, 6.5. अब आपको क्या करना है, 6.5 की एक स्केल ओपन करना है आपको और U पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके का बनेगा. अब देखो आपको धीरे धीरे सब मालूम पड़ जाएगा करना क्या है. सबसे पहले आप ये जो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, कट हो रही है आर्क, यहाँ से आप यहाँ ज्वाइन कर दो, ठीक है. उसके बाद P से U ज्वाइन कर दो, जो कि हमें मेजरमेंट ऑलरेडी गिवन थी, लेकिन अभी भी दो लाइन तो रह ही गई. उसके लिए हमें यहाँ पे अब देखना होगा PM, जो हमने छोड़ दिया था ना, MP 5 सेंटीमीटर है, तो P अगेन आपको 5 सेंटीमीटर का स्केल ओपन करना है और P से 5 सेंटीमीटर पे M पे आर्क लगा देनी है. क्लियर हुआ, 5 सेंटीमीटर पे. तो अब आप इसको यहाँ पे ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे, कुछ इस तरीके का बनेगा. सी आई एम नॉट सेइंग बिल्कुल प्रॉपर ये शेप होगी, नहीं कह सकती मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पास कोई स्केल नहीं है यहाँ पे, ना ही मैं मेजरमेंट करके आपको बोर्ड पे दिखा सकती. अब ये बन गया रफ स्केच. अब आपको मालूम पड़ गया कि आपको ये वाली जो मेजरमेंट है सबसे लास्ट में लेनी है. अब बनाते हैं फेयर. JU 3.5, यहाँ से मान लीजिए 3.5 ये है JU, उसके बाद UM 4 सेंटीमीटर, UM यहाँ पे बनेगा डेफिनेटली, हमने M उधर बनाया था, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर की फेयर में आर्क लगा दी, गुड. उसके बाद MP हमने वहाँ पे पहले छोड़ दी थी. PJ पे आते हैं, P यहाँ पे होगा, MP यहाँ पे होगा, तो 4.5 की आर्क आपको J से इधर लगानी है. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ M और यहाँ P,
जे से 4.5 की आर्क लगानी है, 4 की इधर है तो इससे थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी 4.5 की। हो सकता है आपके मेजरमेंट बहुत अलग हो, ऐसी बिल्कुल भी नहीं होगी, बिकॉज ऑब्वियसली मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगी, यहाँ पे मैं स्केल यूज़ नहीं कर रही हूँ, आपको स्केल यूज़ करना है, कंपस यूज़ करना है। लास्ट है पी यू, विच इज़ दिस पी यू, है ना, ये है 6.5। अब आपको 6.5 की आर्क खोलनी है, यहाँ से 6.5 की आर्क लगानी है, यहाँ पे रख के ऐसे आर्क लगा देंगे, यू पे आपने कंपस की पिन रखनी है और पेंसिल आप चला देंगे यहाँ पे। अब ये जब क्रॉस हो गया, मैंने आपको ये पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि हम लाइन कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, जब हमें क्रॉस हुआ हुआ एक पॉइंट मिल जाएगा, क्रॉस हुआ हुआ पॉइंट यहाँ मिल गया, पी से आप जे को ज्वाइन कर दीजिए, पी से आप यू को ज्वाइन कर दीजिए। अब आप सोचेंगे ये तो क्रॉस ही नहीं हो रहा, तो ये कैसे ड्रॉ होगा, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, अब जो हमने मेजरमेंट छोड़ी थी एम पी ये है ना, ये है 5 सेंटीमीटर, तो इस पी वाले पॉइंट पे रख के आप 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दीजिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी क्रॉस हो गया तो इस सेंटर पॉइंट से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। हेयर इज योर एम और हेयर इज पी, क्लियर हुआ कैसे बनाना है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे कि हमने किस तरीके से बनाया है या हमें कैसे पता होगा ये ऐसे बनेगा, उसी के लिए मैंने बताया है, जंप लिखा हुआ है पहले ऐसे ही लिख लो साथ साथ जे यू एम पी, उसके बाद आप जैसे जैसे मेजरमेंट पढ़ते जाओगे बनाते चले जाओ, बस ध्यान क्या रखना है कि जब तक आर्क दोनों इस तरीके से क्रॉस नहीं होंगी ये सेंटर पॉइंट नहीं माना जाएगा, यानी कि अगर आपके पास ये गिवन है तो आप किसी भी बेसिस पे इसको सीधी लाइन नहीं वहाँ से बना सकते, आपको आर्क का क्रॉस करवाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आर्क क्रॉस हुई तभी हमने ये ज्वाइन किए, फिर यहाँ पे आर्क क्रॉस हुई तभी हमने ये ज्वाइन किया। अब ये बन गई हमारी फिगर, इसके बाद हमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपको मेजरमेंट लिखनी होती है, जे यू 3.5, यू एम 4 सेंटीमीटर, एम पी 5 सेंटीमीटर, पी जे 4.5 सेंटीमीटर, पी यू 6.5 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने, हमने कंस्ट्रक्शन करनी, स्टेप्स भी लिखने बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको इससे पहली वीडियो में भी बताया था स्टेप्स लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, जो आपने किया है बस उसी को लिखना होता है स्टेप बाय स्टेप। अभी इससे नेक्स्ट स्क्रीन पे जो आप देखोगे मैं यहाँ पे और यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख चुकी होंगी और आपको पढ़ के सारे समझा दूंगी कि आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किस तरीके से लिखने हैं जो कि सबसे ईजी हो। नाउ गाइज मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं, बहुत ही सिंपल करके लिखे हैं, बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल शायद ही कोई आपको बताए। सी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़रूरी नहीं है जो बुक में लिखे हैं या जो आपके स्कूल में करा रहे हैं, जो आपके ट्यूशन में करा रहे हैं, जो आप मुझसे भी कर रहे हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं, जो उसी फॉर्मेट में लिखी जाती हैं। वो क्या है कि आप जो भी करते जा रहे हो आपको लाइन वाइज लिखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहले हमने क्या किया था, जे यू ड्रॉ किया था, सो ड्रॉ अ लाइन जे यू ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। नाउ हमने उसके बाद यू एम की आर्क लगाई थी 4 सेंटीमीटर की, फ्रॉम यू, यू से मेक एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर टू मेक द पॉइंट एम, हमने टू देखो मेक एन आर्क को 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है क्या बनाने के लिए, एम पॉइंट बनाने के लिए। उसके बाद हमने पी जे बनाया था, जे 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 पॉइंट पे रख के पी पे आर्क लगाई थी, फ्रॉम जे मेक एन आर्क को 4.5 सेंटीमीटर टू मेक द पॉइंट पी, क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया। नाउ उसके बाद हमने ये डायगनल बनाया था यू पी या पी यू 6.5 सेंटीमीटर का, उसके लिए क्या है, फ्रॉम यू मेक एन आर्क ऑफ 6. यू से लेके मेक एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर डायगनली टू पी, डायगनली लिखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमने ये आर्क डायगनली लगाई है, तो यू से हमने डायगनली पी पे आर्क लगाई। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, ज्वाइन कर दिया पी जे और पी यू, पी जे और पी यू ज्वाइन हो गया, उसके बाद हमने क्या किया था, पी एम, पी एम लिया था, तो फ्रॉम पी मेक एन आर्क को 5 सेंटीमीटर टू एम, देन ज्वाइन पी एम एंड एम यू,
सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं था और सारे ही स्टेप्स काउंट हो गए हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को रोक के देख लीजिए या फिर आप बैक करके देख लीजिए। ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस अगर आप लिख लेते हैं तो आपका एक भी आधा नंबर भी नहीं कट सकता। बहुत सिंपल लैंग्वेज में है और बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो, आप खुद भी ये बना के लिख सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नाउ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो इसको सबके साथ ताकि सभी अच्छे से पढ़ पाएं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट।